बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ सबा कमर और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन जलफ्रेज़ी। सबसे पहले हमने दो टमाटर ले लिए, एक दरमियानी साइज़ का प्याज ले लिया, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और इसे ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर और प्याज को हमने पेस्ट बना लिया है। अभी हम पैन लेंगे, चूल्हे को ऑन कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, प्याज और शिमला मिर्च को इस साइज में हम काट लेंगे, प्याज भी जो है उनको भी इस साइज में, थोड़ा सा ऑयल लिया है इसमें। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्के 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 हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाए। शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई कर दीजिए, अब इसको निकाल देंगे। अब इसको निकाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो ले, और चिकन शामिल कर देंगे इसमें। चिकन को फ्राई करेंगे अच्छे से, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे दो चम्मच, अब 5 मिनट जो है अदरक लहसुन जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालो इस्तेमाल कर लेंगे अच्छे से। चिकन की और अदरक लहसुन की बुनाई अच्छे से हो गई है, और इसमें बकाया मसाले डालेंगे 24 हाफ चम्मच, कुटी हुई सुराख मिर्च 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, खुश्क धनिया का पाउडर 1/2 चम्मच, हसबे ज़रूरत नमक। आप इन मसालों के अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे, मसाले को अच्छे से भून लिया। अब इसमें 2 चम्मच दही भी शामिल कर देंगे, और इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से पका देंगे। एक चम्मच इसमें शामिल करेंगे टमाटर की, अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, और
पाँच से सात मिनट जो है वो ढक्कन देख देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। सब मिर्चा भी शामिल कर देंगे। पाँच से सात मिनट गलने के लिए चिकन को रखेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे ये जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देंगे। अब इसे पाँच से सात मिनट अच्छे से भून लें ताकि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अभी इसमें हम डालेंगे ये जो हमने पहले शिमला मिर्च और प्याज जो है उनको पहले से जो फ्राई किया हुआ था वो शामिल करते हैं। हमारी जंक फेवरेट जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी जो है हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अगर आपको हमारी रेसिपी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।